बारिश ने तोड़ा गर्मी का गुरूर, जलभराव से बढ़ी परेशानी। आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पिछले दो तीन दिनों से उमड़ घुमड़ रहे बदरा आखिरकार शनिवार की देर रात से बरसने लगे। शनिवार की देर रात शुरू हुई जोरदार बारिश रविवार को भी जारी रही। मौसम विशेषज्ञ इसे प्री मानसून की पहली बारिश बता रहे हैं। झमाझम बारिश से जहां लोगों को चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। यह बारिश किसानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। बारिश के बाद खेतों में धान सहित अन्य फसलों को काफी लाभ होगा। हालांकि सिरसिया बाजार सहित कई गांवों में भी जलभराव की समस्या देखने को मिली। शहर से लेकर गांव तक की सड़कें नाले का रूप ले चुकी थीं। नालियां डंप होने से सड़कों पर पानी बहने से घंटों लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। यही नहीं, सड़क पर रिंगते वाहनों के हिलोरों से लोगों के घरों तक में पानी जा पहुंचा। साथ ही सिरसिया थाना परिसर, अस्पताल परिसर में पानी ही पानी भरा रहा। बाजार में दर्जनों घरों में पानी का सैलाब भरा पड़ा है। तेज बारिश की वजह से विद्युत आपूर्ति एकदम ठप हो गई है। श्रावस्ती से रमेश गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार करीब 1 बजे रात से बारिश हो रही है। हमने देखा है कि इधर जो मार्केट है, मार्केट में पानी कब जमावड़ा है। विद्यालय है, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। ब्लॉक है और उसके CSC भी भरा हुआ है। थाने में भी पानी चल रहा है और तालाब में देख रहा हूँ। और यहाँ लोगों के घरों में पानी घुस गया। क्या कहना है इसके बारे में? आज ये मानसून की प्रथम बरसात है और प्रथम दिन से ही ये बरसात बहुत तेजी से हो रही है, जिससे हमारे सिरसिया के आसपास चारों तरफ पानी भर गया है। सिरसिया इस कस्बे के बीचों बीच जो ये तालाब है, ये पूरी तरफ से लबालब भर चुका है और अब जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। जिनके भी घर मकान तालाब के आसपास हैं, उनके घरों में पानी जाना शुरू हो गया है। ऐसा लगता है कि अगर ये बरसात नहीं रुकी तो थोड़ी ही देर में ये पानी सभी के घरों में प्रवेश कर जाएगा और पूरी तरह से व्यवस्था चरमरा जाएगी। धन्यवाद।